हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अंकल आंटी, मेरे प्यारे से भाई बहन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। अंजू बिंदास ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग बस कैसे हैं? और हम अच्छे हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं कि आप लोग भी सदा सही रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बस यही कामना है मेरी कि जितने भी मेरी YouTube फैमिली हैं सब स्वस्थ मस्त रहें, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, खुशियों से पूरा जीवन भर जाए। और मैं आई हूँ एक और नए न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग गाइस मेरे चैनल को प्यार दीजिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और गाइस मेरी वॉइस साफ आप लोगों को आ रही नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। और गाइस डेली का रूटीन जो है मेरा वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। और वही डेली का रूटीन, हस्बैंड जी जा चुके हैं, आज वो सुबह ही चले गए थे, 6 करीब 7 बजे चले गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा काम था। आज वो बाहर जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे, इसीलिए वो गाइस खाना वगैरह कुछ नहीं ले गए। अभी मैंने बनाया भी नहीं है, हम हैं, बेटी है हमारी, जब भूख लगेगी तो बना लूँगी। और गाइस अभी नहा धो के कपड़े वगैरह धो के और गाइस मैं बैठी हूँ, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और गाइस मैं आज हेयर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उसी टॉपिक पे आज थोड़ा बात करूंगी कि आपके गर्मियों में जो हेयर हैं वो रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो आप उसको क्लीन कैसे करें, कैसे अपने बालों को स्वस्थ रखें, स्वस्थ भी रहें और मजबूत भी हों। और बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम होती है, कई कई लेडीज़ों को होता है कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगी, आप लोग करके देखना। अगर नुकसान फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। आप अपने बालों को हफ्ते में करीब 2 बार लगाएं प्याज का रस। प्याज को आप मिक्सी जार में पीस लें और प्याज का रस छान के बोतल में भर लें और उसको आप बाल धुलने से पहले, आप 10 मिनट पहले उसको सारे बालों में अच्छी तरीके से लेप कर लें, मालिश कर लें और उसके बाद वॉश कर लें बालों को। और गाइस आपको हफ्ते में 2 बार करना है। और नंबर 2, मेथी जो होती है गाइस सबके घर में होती है, मेथी खाई जाती है, सब्जियों में डाली जाती है, तो नंबर 2 मैं बताऊंगी, मेथी को बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद जो पीला सा पानी होता है उसको छान के बोतल में भर लें और वो बालों में 10 मिनट तक आप मालिश करें उसकी, उसके बाद बालों को वॉश कर लें, उससे भी आपके बालों में जड़ें मजबूत होंगी।